हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ईशांक और आप देख रहे हैं टेक वेल्डर। मैंने अपने चैनल का नाम टेक स्टोरीज से टेक वेल्डर कर दिया है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग के बहुत ही ज़्यादा रूमर्ड फ़ोन जिसका नाम है S10। ये फ़ोन 3 वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है, S10 लाइट, S10 और S10 प्लस। तीनों के ही जो साइजेज़ हैं मैं आपको बता रहा हूँ। 5.8 इंच रहने वाला है S10 लाइट का। S10 रेगुलर जो S10 है उसका जो साइज़ है, स्क्रीन साइज है 6.1 इंच रहने वाला है, और जो S10 प्लस है उसका साइज होगा 6.4 इंचेस। तीनों में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। इसमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। इससे पहले जो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आया था वो LeTV के Le Max Pro में आया था, और अभी तक जो डिस्प्लेज में फिंगरप्रिंट सेंसर आए हैं वो सब सारे ऑप्टिकल सेंसर्स हैं। वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, उनको स्पूफ करना बहुत ईजी होता है। इस जैसे कि हमारा OnePlus 6T और Oppo और Vivo में जो Vivo Nex और Oppo Find X में आया था, ये सब ऑप्टिकल सेंसर है, इनको ईजी होता है स्पूफ करना। लेकिन ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये बहुत स्पूफ नहीं किया जाता, बहुत ही कम चांसेस इसको स्पूफ होने के। तो इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर आने वाला है, पहली बार किसी डिस्प्ले में अल्ट्रासोनिक सेंसर आएगा। अगर रूमर्स की माने तो जो ये फ़ोन है, इस जो S10 लाइट है वो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ लॉन्च होने वाला है, जिसका प्राइस 60,000 से 65,000 के अराउंड रहने वाला है। और जो S10 है, जो रेगुलर S10 है उसका वो दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, 6GB के साथ 128GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 512GB इंटरनल स्टोरेज। तो उनका जो प्राइस है, जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 75,000 के अराउंड पड़ेगा, और जो 8GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस आपको 90,000 के अराउंड पड़ेगा। अब S10 प्लस की बात करते हैं, तो S10 प्लस में भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है, 6/128 और 8/512। उसका प्राइस आपको 90,000 पड़ेगा, 6GB रैम वाला, और 8GB रैम वाला आपको 1,00,000 के अराउंड पड़ेगा। S10 प्लस की बात करें, ये जो तीनों फ़ोन्स हैं वो आपको फैब में 2025 को लॉन्च होने वाले। लेकिन इन तीन फ़ोन के अलावा भी सैमसंग ये फ़ोन लॉन्च और करेगा, जो S10 प्लस का ही नया वर्जन होगा, उसको S10 X कह रहे हैं। लेकिन ये जो लॉन्च होगा वो होगा मार्च। कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे है कि इसमें आपको 1TB स्टोरेज और 12GB रैम मिलने वाली है। तो ये र्यूमर्स हैं, कुछ अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन र्यूमर्स काफ़ी हद तक ठीक लग रहे हैं। जैसे कि फ़ोटोज़ लीक हुई हैं, फ़ोटोज़ आ रही हैं, फ़ोटोज़ देख रहे हैं हम, वीडियोज़ भी हैं, कुछ बहुत सारे नेट पे इस टाइम फ़ोटोज़ चल रही हैं। जो S10 X होगा उसका प्राइस आपको 1,30,000 पड़ेगा। अब बात करते हैं इनके कैमरास की। तो अगर हम बात करें 2017 की, तो 2017 में क्या हुआ था कि 16:9 की स्क्रीन चलती थी, डिस्प्ले चलती थी, वो चेंज होकर 19:9 की आने लगी थी। तो वो 2017 डिस्प्लेज के नाम रहा था। 2018 की बात करें, नोच के नाम रहा कि नोच, इतने सारी नोच आ गई, ड्यू ड्रॉप नोच, वाटर ड्रॉप नोच, टीके वाली नोच, ऐसी नोच, वैसी नोच, बहुत सारी नोचेज आई। लेकिन अब जो 2019 आने वाला है, जो आ चुका है, इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले मिलने वाली है। पंच होल डिस्प्ले का मतलब है कि आपको इस डिस्प्ले में ऊपर कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको एक होल मिलेगा जिसमें कैमरा लगा होगा। हमने अभी देखा ऑनर व्यू 20 जो लॉन्च हुआ है कि उसमें आपको लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में, फ्रंट में छोटा सा कैमरा मिला है, वो पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है। तो ये जो साल रहने वाला है पंच होल डिस्प्ले के नाम रहने वाला है। बहुत ही अच्छा लग रहा है फ़ोन देखने में। फुल डिस्प्ले हमें मिल जाती है, लेकिन एक पंच होल मिलता है और कुछ नहीं मिलता है डिस्प्ले में। तो अगर हम S10 लाइट की बात करें तो उसमें फ्रंट में आपको एक कैमरा मिलेगा सिर्फ फ्रंट में, और पीछे की तरफ डुअल कैमरा मिलने वाला है। और जो S10 होगा रेगुलर S10, उसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा मिलेगा और फ्रंट में सिंगल कैमरा ही मिलेगा। और जो S10 प्लस होगा उसमें आपको पीछे की तरफ 3 कैमराज और फ्रंट में 2 कैमराज मिलेंगे। तो जो फ्रंट में जो 2 कैमराज मिलेंगे उसका जो पंच होल है उसका थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया है। और जो चौथा वेरिएंट है जो मार्च में लॉन्च होने वाला है, उसमें आपको पीछे की तरफ 4 कैमराज मिलने वाले हैं। इसमें अगर हम S10 प्लस की बात करें तो उसमें पीछे की तरफ 3 कैमराज हैं। तो एक टेलीफोटो लेंस, एक हो गया हमारा वाइड एंगल लेंस, और एक नॉर्मल लेंस। तो ये सेटअप जो है वो देगा, ये सेटअप बना के दे रहा है S10 प्लस। सेम सेटअप जो आ चुका है वो Mate 20 Pro में आया था, अभी जो 2018 के बिल्कुल दिसंबर में लॉन्च हुआ था। उसमें आपको सेम सेटअप मिल जाता है, टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस और नॉर्मल लेंस के साथ। अगर एक तरह से अगर हम साइज़ की बात करें S10 प्लस की, तो S9 प्लस के ऑलमोस्ट अराउंड होगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं डिस्प्ले में, उसका जो कवर है वो लीक हो गया, ये कलर कवर है, उसका कवर है ये, और इस वो Oppo Find X के ऑलमोस्ट इक्वल है, S9 प्लस के इक्वल है, लेकिन नोट 9 से थोड़ा छोटा है। पीछे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल कैमरास की रो होगी, पीछे की तरफ कवर में आपको होल मिला हुआ है। तो ये फ़ोन आपको कैसा लगा? जैसे मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन, रूमर्ड स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई है, तो आपको फ़ोन कैसा लग रहा है मुझे बताइए अपने कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है, और आपको मेरी वीडियोज़ अगर पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।